नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भाजपा कार्यालय सीहोर में एक मीटिंग के आयोजन पर कार्यकर्ता और मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का बड़ा बयान, कहा कि हारे हुए प्रत्याशी और छवि खराब प्रत्याशी को नहीं मिलेगी टिकट। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भाटी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सीताराम यादव एवं पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। स्पष्ट मान्यता है जो जीतने वाला है उसे टिकट हर हाल में मिलेगा, जो हारने वाला है जिसकी छवि खराब है उसे टिकट नहीं मिलेगा। यह अपने आप में यथार्थ है और यह सत्य भी। अब तक हमारे यहाँ तो आप जानते हो प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ये जिला इसके पास, ये कमलनाथ जी के भाई के पास, ये ज्योतिरादित्य वाले चंबल संभाग, ये फला जी वो संभाग। हमारे यहाँ तो सारा प्रदेश सामूहिक रूप से हम देखते हैं। हमारी चुनाव समिति बैठेगी जिसमें शिवराज जी, राकेश जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रभात झा, ऐसे सारे लोग उसमें हैं। सब बैठ कर तय करते हैं, एक एक सीट का विश्लेषण आता है, उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद ही हम लोग करते हैं सामूहिक निर्णय। इच्छावर से गजेंद्र नागर की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।